हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और मैं पुणे में हूँ, तो हैदराबाद से मैं ट्यूसडे को आ गई थी। मेरी वापस फ्लाइट ट्यूसडे को थी और आने वाला व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जब भी हैदराबाद से आती हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो जाती हूँ और परेशान होती हूँ। और जब भी आप मुझे परेशान देखते हैं तो आप लोग भी परेशान हो जाते हैं और मुझे फिर बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि ये वाला व्लॉग देख के हम बहुत ज़्यादा सैड आ गए या हमारे आंसू आ गए। तो उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कि आप लोग मेरी वजह से दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने मतलब वो व्लॉग शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी वजह से दुखी रहें। और आप सब लोगों को थैंक यू सो मच मेरी फैमिली के लिए इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजने के लिए, मेरे भैया के लिए, भाभी के लिए और मम्मी के लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग जब भी मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जिसके कारण मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इतने सारे लोग हैं जो रेगुलर कॉमेंट्स करते हैं, तो उनसे एक कनेक्शन सा फील हो गया है और अब तो सब लोगों के नेम भी बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। तो ऐसी फीलिंग आती है कि अगर किसी एक का भी कमेंट ना आए तो मतलब अजीब सा फील होता है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ और प्लीज़ आप ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहें और प्यार करते रहें। तो बस मैं अभी अपनी वार्डरोब भी थोड़ा सा ठीक कर रही थी। एक्चुअली 15 डेज में मैं थोड़ा सा अपनी वार्डरोब को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैस हो जाती है। और तभी मुझे ध्यान आया कि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कुछ चीज़ों को लेके, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। एक तो मैंने राखी व्लॉग में ये वाली अपनी कुर्ता पहना था, तो जिसके बारे में आप में से बहुत लोगों के कमेंट आए कि मैंने कहाँ से लिया है। तो एक्चुअली ये मेरी कंप्लीट ड्रेस है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और ये इस वाली स्कर्ट के साथ है ये वाली जो ड्रेस है, और ये मैंने दिल्ली से डिज़ाइन कराया था। ये मैंने मटेरियल लिया था सिल्क का, अपर एंड बॉटम, और फिर मैंने इसको ऐसे स्टिच कराया था। और अगर आपको पता भी होगा, करीना कपूर का आया था एक ड्रेस, तो वो ड्रेस देख के मेरा बहुत ही ज़्यादा मन किया था बनवाने का। तो सेम मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया था ये वाले ड्रेस का, और मैंने लेकिन ये वाली स्कर्ट पेयर नहीं की थी। इस वाली ड्रेस के साथ मैंने अपनी ये ब्लू कलर की स्कर्ट पेयर की थी, क्योंकि मैंने एक कुर्ता लिया था रिलायंस से तीज पर, तो उसके साथ भी ये वाली स्कर्ट परफेक्ट जाती, तो मैंने सोचा कि एक स्कर्ट कैरी कर लेती हूँ और दोनों का मेरा काम हो जाएगा। तो ये वाली जो स्कर्ट, ये वाली जो कुर्ता है, ये इस स्कर्ट के साथ भी परफेक्ट जा रहा था। और ये मेरी जो स्कर्ट है वो मैंने फैब इंडिया से ली थी, और ये स्कर्ट मेरी 6 ईयर ओल्ड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ ये स्कर्ट चले जाती है, तो मुझे पर्सनली अपनी वाली स्कर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैंने अपने राखी वाले ब्लॉग में ये वाली जो कुर्ता है, ये वाला कुर्ता पहना था। तो ये मैंने आपको दिखाया था कि सौरभ ने मेरे लिए लिया है नली सिल्क से, चेन्नई से लेके आए थे, लेकिन इसका सिर्फ मैंने ये कुर्ता ही स्टिच कराया था। इसके साथ बेसिकली पूरा ये पूरा सूट है, पैंट मतलब पजामी का बॉटम का कपड़ा है और दुपट्टा है, लेकिन मैंने बॉटम स्टिच नहीं कराया क्योंकि मेरा इसके साथ स्कर्ट पहनने का मन था। तो मैंने ये वाली स्कर्ट ली है, और ये वाली जो स्कर्ट है वो मुझे अमेजोन पे मिल गई थी, और इसके साथ ये परफेक्ट गई और एकदम मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। और ये स्कर्ट का कलर ऐसा है वो कई सारे कलर के साथ जा सकती है। इस वाली स्कर्ट का जो ब्रांड है वो है वरंगा, तो ये मैंने वरंगा से ली है और अमेजोन पे अवेलेबल थी, तो काफ़ी अच्छी है ये वाली स्कर्ट ये। और एक्चुअली ये वाला जो सूट है इसके साथ ये वाला दुपट्टा है जो इसके साथ आया है, तो मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया तो तब पता चला कि इसका जो मिड है दुपट्टे का वो ऐसा है, और ये जो ब्रॉकेट वर्क है वो सिर्फ यहीं पर ही है। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ पेयर करती तो उतना ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको मतलब दुपट्टे के साथ पेयर नहीं किया और स्कर्ट के साथ मैंने पेयर किया। तो
मैंने सोचा कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे इस चीज़ को लेके, और मैं आपको फिर ये दिखा दूँ। और मैंने अपने जो इयर रिंग है, जो मेरा राखी का गिफ्ट है, वो मैंने अभी भी पहना है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है। तो बस मैं अभी इनको अपनी वार्डरोब में अरेंज ही करूँगी, क्योंकि ये तो मैंने एक बार पहना है, और ये वाला जो कुर्ता है वो मैंने सेकंड टाइम पहना है, वो भी थोड़ी देर के लिए। जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको पहनूंगी फिर मैं ड्राई क्लीन के लिए दे दूंगी, क्योंकि जितनी भी मेरी अच्छी ड्रेसेस हैं, अच्छे कुर्ते हैं, वो मैं घर में कभी भी वॉश नहीं करती हूँ। मेरी साड़ियाँ हैं और ये सब, ये हमेशा मैं ड्राई क्लीन के लिए ही देती हूँ, क्योंकि कपड़ों की जो लाइफ है वो तभी बने रहती है, वरना घर में धो के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। अब आप देखिए, सिल्क का कुर्ता है, मैं अगर इसको घर में धोऊंगी तो ये वाला कुर्ता मेरा खराब हो जाएगा, और 200-250 रुपए के चक्कर में मतलब मेरा जो इतना कॉस्टली कुर्ता है वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए बस इसको मुझे एक बार और पहनना है, क्योंकि उस दिन में मैंने बहुत थोड़ी देर के लिए पहना था, फिर तीसरी बार पहन के मैं इसको ट्रैकिंग के लिए दे दूंगी। तो बस मैं अभी अपने वार्डरोब में सामान ही लगाती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वार्डरोब अरेंज करने के बाद मैं आई हूँ किचन में, और काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन किया है, गैस क्लीन की है। तो अभी मैं शुरू करूँगी अपनी कुकिंग। तो आज है फ्राइडे, और जैसे कि आपको पता है कि एवरी फ्राइडे मेरा वैभव लक्ष्मी का उपवास रहता है, और जब भी मेरा उपवास होता है तो इवनिंग में जब कुकिंग शुरू करती हूँ तो वापस अपना काउंटर टॉप और गैस क्लीन करती हूँ। तो लंच में तो हालांकि लंच के बाद पूरा गैस और काउंटर टॉप क्लीन ही रहता है, लेकिन अभी प्रसाद वगैरह बनाऊंगी तो इसीलिए मुझे सब वापस क्लीन करना पड़ा। और अनमित नहीं, ट्राइपॉड नहीं, लाउन विथ, नो 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 बदमाशी, नो नो। अभी मेरा जो ट्राइपॉड है वो थोड़ा सा शेकी होगा, क्योंकि अनवित यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ये लो। तो बस मैं वही आपसे बता रही थी कि मैंने सब क्लीनिंग किया और अभी मैं कुकिंग शुरू करूंगी। और जब भी मैं अपना फ्राइडे को व्लॉग शूट करती हूँ और बताती हूँ कि मेरा वैभव लक्ष्मी का उपवास है, तो एक या दो कमेंट मुझे आ ही जाते हैं कि मैं अपने जो वैभव लक्ष्मी के व्रत रखती हूँ उनका विधि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो एक्चुअली क्या है कि जो वैभव लक्ष्मी की बुक है तो उसमें कम्प्लीट विधि लिखी हुई है कैसे व्रत रखना है, तो मैं भी उस विधि के अकॉर्डिंग ही ये वाला व्रत करती हूँ। तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल मैं करती हूँ, और मैं प्रोसेस इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि व्रत पूजा पाठ सबका बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल होता है, और अगर मैं शेयर करूँगी तो उसमें बहुत लोग अपने आइडियाज़, बहुत लोग अपनी चीज़ें पोर करते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, क्योंकि हर किसी के जो पूजा करने का तरीका होता है वो एकदम अलग होता है। और मैं अगर बताऊँ कि मैं ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ तो ऐसा बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगी कि जो बुक है उसमें जो विधि है मैं उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ, और बोलूंगी कि ये जो माता रानी है वो बहुत ही ज्यादा सीधी है बेचारी और बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको ये व्रत रखना ही रखना है। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली अगर आप किसी डे किसी फ्राइडे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या आप पीरियड से हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ये व्रत स्किप कर सकते हैं और आपके जो व्रत का काउंट है वो ऐसे काउंटिंग में ही रहता है। तो इसीलिए मुझे वाले जो व्रत हैं वो रखना अच्छा लगता है कि इसमें मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है। और मुझे ना क्या है कि किसी भी टाइप की कोई भी बाउंडेशन पसंद नहीं है कि आप ये काम इस समय करो, ये काम ऐसे करो, तो मैं मतलब थोड़ा सा इस टाइप की हूँ, इसीलिए मुझे वाले जो व्रत हैं वो शुरू से ही सूट करते हैं। तो बस मैं अभी प्रसाद ही बनाने के लिए जा रही हूँ, और इसमें कसार बनता है वही बनाऊंगी और आपको फटाफट दिखा दूंगी। वैसे तो कसार काफ़ी कॉमन है क्योंकि सब लोगों के यहाँ पे ये बनता ही है बहुत सारी पूजा पाठ में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई रखी है और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अपना घी।
और ये वाला जो कसारा है आज मैं एकदम सिंपल बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाले थे तो वो डाल के भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ स्पेशल, एकदम सिंपल बना रही हूँ। तो लास्ट टाइम जब दीदी और बच्चे थे तो तब मैंने ऐसे पूरा ड्राई फ्रूट डाल के बनाया था कि सबको अच्छा लगेगा, लेकिन इस बार ऐसे सिंपल से ही बना रही हूँ क्योंकि पापा मम्मी भी घर पर नहीं हैं, वो लोग मुंबई गए हैं किसी ज़रूरी काम से, तो कल ही तक वापस आएंगे। और मैं और सौरभ भी घर पे हैं तो सोचा कि सिंपल सा बना लेती हूँ बस। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा वीट फ्लोर, और इसमें मैं अभी थोड़ा सा और वीट फ्लोर डालूंगी क्योंकि घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और इसमें अगर आप अजवाइन डालेंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वीट फ्लोर और ऐड कर लिया है और इसको मैं अभी लो फ्लेम पर ही भूनूंगी। तो अगर हम इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो आटे का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा आता है, तो स्लो कुकिंग इज ऑलवेज बेस्ट कुकिंग। मेरा जो कसार है वो अभी अच्छे से रोस्ट हो गया है और मैं इसको भी एक प्लेट में निकालूंगी, ठंडा होने के लिए रखूंगी और फिर इसमें पीसी हुई जो शुगर है वो मिक्स करूंगी। तो शुगर मैं ऑलरेडी पीस के रख देती हूँ 2-3 शुक्रवार के लिए, तो मुझे आसानी हो जाती है, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तभी मिक्स करती हूँ, नहीं तो फिर शुगर की जो गांठें हैं वो बन जाती हैं। और इधर मैं अपने डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ, तो आज डिनर में बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल से पोटैटो फ्राई, और बहुत ही अच्छे लगते हैं पराठे के साथ और चाय के साथ, नहीं तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं, तो वैसे तो ब्रेकफास्ट में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं यही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे चाय के साथ पराठा खाना पसंद है और हमारे यहाँ पे उपवास में ऐसे पराठा ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, मैं आपको बहुत बार ऐसे बता भी चुकी हूँ। तो इसीलिए ये वाले जो पोटैटो हैं वो फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है और जब मेरा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मैंने डाली है मेथी और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी राई, और इनको अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर और चिलीज़ चॉप की हुई, और इनका जो फ्लेवर है वो इन पोटैटो फ्राई में बहुत अच्छा आता है। और ये वाले जो पोटैटो हैं आप मेथी में ही बनाएं तो फिर आप देखिएगा कि कितना अच्छा इन पोटैटोज़ का टेस्ट आता है। तो जब मेरा जिंजर और ग्रीन चिली अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने बेसिक मसाले, थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन सौरभ उतना स्पाइसी नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसमें मैंने ऐड किया है पोटैटो और मटर, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा सोल्ट, और इनको ऐसे ही मैं ढक के फ्राई करूँगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, अगर नहीं तो ये पोटैटो ऐसे ही अच्छे से हो जाते हैं, और इनको आप ऐसे ही दाल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप इनको एक बार पराठे के साथ खा के देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो बस मैं इनको थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दूँगी क्योंकि मेरी स्टील की कढ़ाई है और स्टील की कढ़ाई में थोड़ा सा जो खाना है वो जलता है इसीलिए। तो अभी मेरी पूजा की सब तैयारी हो गई है और बस मैं अभी अपनी जो कथा है वही करूँगी, और ये प्रसाद में भी मैंने जो पीसी हुई शुगर थी वो मिक्स कर ली थी, और इसमें मैंने बनाना कट किया है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट होता है जो भी लक्ष्मी जी को पसंद है वो सब चढ़ाना पड़ता है, जैसे कि लाल गुलाब और ऐसे कलश स्थापना करनी पड़ती है। तो बस मैं अभी अपनी पूजा करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं ये वाला जब व्लॉग पोस्ट करूंगी तो तब जन्माष्टमी होगी, तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भगवान से प्रेयर करूंगी बाल गोपाल आपके घर आए और ढेर सारी खुशियां ब्लेसिंग्स लेकर आए, आप हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, तो लेकिन इस बार भगवान से मैं भी प्रेयर करूंगी कि हे भगवान जो मेरे व्यूअर्स मुझे देखते हैं मुझसे प्यार करते हैं तो उनके घर में भी ढेर सारी खुशहाली आए, उनको कोई दुख ना हो और हमेशा ऐसे ही खुशियाँ बनी रहें।
पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है, तो मैं भी आई हूँ किचन में और पोटैटोज भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो सौरभ ऑफिस का काम कर रहे थे तो मैंने उनको बोला था कि बीच बीच में तुम देख लेना, तो उन्होंने ही फिर ये अच्छे से फ्राई किए हैं। बस इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर, तो अमचूर पाउडर का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। और बस मैं अभी पराठे बनाने ही शुरू करूँगी। मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो अगर मैं रखने वाले पराठे बनाती हूँ तो वो तो अलग हैं क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन अगर मैं करारे पराठे बनाती हूँ तो हमेशा मुझे अपनी मौसी और हमेशा उनकी जो बहू हैं उनकी याद आती है, भाभी की, क्योंकि वो बहुत ही करारे करारे पराठे बना के खिलाती थी और ऐसे ही मज़ा आता था। तो जब भी ऐसे पराठे बनाती हूँ तो हमेशा मैं अपनी भाभी को याद करती हूँ। तो उन्होंने बहुत ही गर्म गर्म पराठे बना के खिलाए हैं और बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं वो भी। तो जब कभी मेरा वापस अपने होम टाउन जाना होगा तो मैं आपको अपनी उन भाभी से ज़रूर मिलवाऊंगी। उनके हाथ के जो पराठे हैं वो रियली अमेजिंग हैं और वैसे पराठे मैंने मतलब किसी के हाथ के नहीं खाए। अभी सब पराठे तो बन गए थे, मैंने अनवित को भी फिर डिनर कराया और उसको डिनर कराने के बाद मैं अभी अपना डिनर करने के लिए बैठी हूँ। और पहले सबसे पहले प्रसाद खाया, उसके बाद मैं डिनर करूँगी। और यहाँ पे सौरभ मुझे दे रहे हैं अपनी बातों की कंपनी, क्योंकि खाना वो अभी नहीं खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि थोड़ा लेट से खाएंगे, उनको अभी भूख नहीं है, उनको काफ़ी अर्जेंट कुछ काम करना है। और मुझे थोड़ा सा अचार की कमी लगी तो सौरभ ने मुझे वही ला कर दिया। तो ऐसे आज उन्होंने प्लेट भी सौरभ ने ही लगाई है मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई थी तो मैंने बोला कि तुम ही लगा दो, तो मेरे लिए चाय और प्लेट सौरभ ने ही लगा के दी है। तो बस ऐसे ही था आज का मेरा व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।